स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण अकेडमी। स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी डी में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 and 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। देखो कॉमन फैक्टर फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो इसका फैक्टर हम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर इसका फैक्टर लिख लेंगे। आप सभी को फैक्टर्स फाइंड करने आता है, 3.1 में 3.2 में हमने ये सब सीखा था फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों में जो क्या होगा, कॉमन होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। मीन्स जो इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होगा, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको लिखना है 20 का फैक्टर, तो आप ऐसा लिखोगे फैक्टर ऑफ 20 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखो किस किस के टेबल में आता है 20, यही आपको लिखना होता है। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि कौन कौन से नंबर में, नंबर के टेबल में 20 आएगा। तो आपको पता है 1 के टेबल में तो 20 आता है, ठीक है, या फिर 1 क्या है, ये 20 क्या है, 1 से डिविजिबल है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। ओके, एंड किसके टेबल में आता है 20, 2 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 4 के टेबल में, यस, तो 4 भी इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। उसके बाद क्या आएगा, 5, 5, 4 जा 20 होता है, यस, 6 का, नो, 6 के टेबल में नहीं, 7, नो, 8, नो, 9, नो, 10 में आएगा। अब देखो 20 का हाफ 10, तो हाफ आ गया, दैट मीन्स हाफ के बाद डायरेक्ट क्या आएगा आपका 20। तो फैक्टर्स ऑफ आप 20 यहाँ पे लिख सकते हो, सभी को फाइंड करने आता है कैसे फैक्टर ऑफ 20 फाइंड कर सकते हैं। देन हमें लिखना है फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, जो भी दिया हो, फैक्टर ऑफ 28। तो देखो ए 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी आते हैं, देन उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, ठीक है, 2 से डिविजिबल है ये नंबर, या फिर बोल देखो 3 से डिविजिबल है 28, नहीं तो 3 के टेबल में नहीं आएगा 28। ओके, तो 3 नहीं लिखेंगे, 4, यस, 4 से 1 जा होता है, तो 4 भी आ गया, 5, नहीं 5 के टेबल में नहीं आएगा, या फिर आप बोल सकते हो 5 से 28 डिविजिबल नहीं है, 6, 6 में भी नहीं, 7, यस, 7 4 जा होता है, उसके बाद 8, नो, 9, नो, 10, ऐसे करके 14 में आएगा एंड 28 में आएगा। आपको क्या है, सभी को पता है फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने क्या किया है, फैक्टर से यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब देखो इन दोनों में जो सेम दिखे ना, उस पर हम राउंड कर देंगे। जैसे देखो 1, 1 यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो ये क्या हो गया आपका एक कॉमन फैक्टर। सेकंड देखो क्या दिख रहा है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, और क्या है यहाँ पे, 4 भी है, देखो 4, 4 यहाँ पे 5 है बट इसमें नहीं है, यहाँ पे 10 है इसमें नहीं है, यहाँ पे 20 है बट इसमें नहीं है, 7 है यहाँ पे 7 नहीं है, 14 है यहाँ पे 14 नहीं है, 28 है यहाँ पे 28 नहीं है, देयरफॉर ये सभी कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएंगे। तो कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन सा आएगा, जो जो मैंने राउंड किया है यहाँ पे, देयरफॉर आप लिखोगे कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू देखो 1, तो आपको दो दो बार जो है ना 1, 1 लिख, 1 टाइम लिख देना है, तो 1 था, 2 टाइम 2 है, देखो 2 टाइम यहाँ पे, तो एक 2 लिख दो, इसमें 4 है तो एक 1 टाइम 4, ये आपका आ गया कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28। इस तरह से हम बाकी का सम इसमें करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे इसका दिया गया है, सेकंड है 15 and 25, सेम प्रोसेस आपको करना है यहाँ पे, इसके जैसा ही। क्या लिखोगे यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 15। अब आपको फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है आपको पता है, और 15 होगा, और बाकी कौन से नंबर है जो क्या होता है, जिसके में 15 आता है टेबल में, जिस नंबर के, देखो 2 में नहीं आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा क्या, नो, 5 में, यस, आएगा, 6, 7, 8 नहीं आएगा, डायरेक्ट किस में आएगा, 15। आप सभी को यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स फाइंड करने आते हैं। इस तरह क्या होगा, ये 15 का फैक्टर आप लिख दोगे। इस अब क्या लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है आपके पास, 25, तो 25 का फैक्टर्स लिख दो यहाँ पे। क्या आएगा 25 का फैक्टर, देखो 1 के टेबल में आता है 25, 2 के, नो, 3 के, नो, 4, नो, 5, यस, 5 जा होता है, देन 6, नो, डायरेक्ट किसके टेबल में आएगा, 25। ये 25 के क्या है,
फैक्टर्स हैं। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड नहीं करने आते हैं तो 3.1 वाला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन वाला देखो, वहाँ पे आपको आ जाएगा फैक्टर्स फाइंड करने। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको, वन है इसमें, यस इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया। थ्री है इसमें बट इसमें नहीं है। अब देखो फाइव है, यस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है। यहाँ 25 है बट यहाँ पे 25 है नहीं है, तो ये वाले नहीं आएंगे। तो फैक्टर्स क्या है, कॉमन फैक्टर्स आप यहाँ पे लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स ऐसा भी लिख सकते हो ऑफ 15 and 25 इज इक्वल टू कौन कौन है, वन फाइव फाइव टू टाइम है, वन टाइम लिख देना। ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, कॉमन फैक्टर्स आ गए। ओके, सेम सी के लिए करते हैं, फिर डी के लिए। सी क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, सी नंबर का ऐसा दिया है 35 and 50। अब आपको इन दोनों का फैक्टर्स फाइंड करना आता हो तो कॉमन फैक्टर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो फैक्टर्स ऑफ 35। फैक्टर्स ऑफ 35 क्या आएगा आपको, यहाँ पे सभी को फैक्टर फाइंड करने आ गया तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट 1, 5, 7 and 35। ये क्या आएंगे, 35 के फैक्टर्स। ओके, कैसे फाइंड करते हैं, सभी को आ गया है, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन फैक्टर्स ऑफ क्या क्या है यहाँ पे, 50। तो 50 का फैक्टर्स क्या आएगा, आप इजीली फाइंड कर सकते हो, वन जिसके टेबल में आए। ओके, वन है, टू है, फाइव आएगा, टेन आएगा, 25 आएगा एंड 50 आएगा। ओके, ये सभी क्या है, यहाँ पे 50 के फैक्टर्स आएंगे। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। कॉमन फैक्टर लिख दो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ क्या आएगा यहाँ पे, 35 and 50। देखो कौन कौन सा कॉमन है, वन इसमें है, वन इसमें, वन तो आएगा सभी में, वन क्या आएगा, कॉमन फैक्टर आने वाला है। अब देखो फाइव यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये कर दो राउंड। टू है बट इसमें नहीं है, सेवन है बट इसमें नहीं है, और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ वन एंड फाइव यहाँ पे। ओके, वन एंड फाइव, ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। डी में ऐसा दिया गया है कि आपका नंबर है 56 and 120। अब यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ क्या फाइंड करना है, फैक्टर्स ऑफ 56। ओके, तो फैक्टर्स ऑफ 56 क्या आएंगे यहाँ पे, 56 के फैक्टर फाइंड कर लो पहले, 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and 56। फैक्टर्स देखो, आप वन से स्टार्ट करना, वन के टेबल में 56 आता है, यस टू में आता है, यस थ्री में, नो थ्री नहीं लिखा, फोर में आएगा, इसी तरह फाइव में नहीं आएगा, सिक्स में नहीं आएगा, सेवन में आएगा। ओके, इस तरह से करके आप यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। आगे लिखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ क्या है, दूसरा नंबर लिख दो, 120 के फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे लॉन्ग पड़ेगा बट फाइंड कर लेना। वन आएगा, टू आएगा, थ्री, फोर, डिविजिबिलिटी टेस्ट सभी को आता है, आप उस तरह से चेक कर सकते हो फोर से डिविजिबल है कि नहीं, फाइव से डिविजिबल है कि नहीं, सिक्स, उसके बाद एट आएगा, टेन, ट्वेल्व, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फोर, थर्टी, फोर्टी, 60 and last 120। ये सभी क्या है, इसके फैक्टर्स हैं 120 के। अब देखो दोनों में सेम कौन कौन सा है, इधर से वन सेम है, इधर से टू सेम है, थ्री नहीं है, फोर है, फाइव नहीं है, यहाँ पे सिक्स भी नहीं है, ठीक है, इसमें सेवन इसमें है बट इसमें नहीं है, एट आएगा, एट आएगा, और कौन से आएंगे, और एक भी नहीं आएंगे, आप चेक कर लेना। देखो 14 इसमें नहीं है, 28 नहीं है, 56 नहीं है। ओके, तो ये क्या है आपके कॉमन फैक्टर्स, तो यहाँ पे लिख दो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 and 120। कौन कौन से आए, 1, 2, 4 and 8, ये सभी क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों के। ओके, तो यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।